हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा जय जिनेन। ये देखिए फ्रेंड्स, तोरी मिक्स चने की दाल बनाई है ये मैंने, और इसके साथ मैं बना रही हूँ पराठे। ये है मेरे बाबा का भोग। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बाबा का भोग तैयार हो चुका है, अब इनको भोग लगा के फिर मैं भी खाना खा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बाबा का भोग तैयार है, बस थोड़ी देर बाद मैं भी खा लूँगी फ्रेंड्स। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ है, जो मैंने आपसे वादा किया था कल, आज उस वादे को पूरा करने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद ही मिलती हूँ आपसे मैं। हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल आपको वादा किया था, आज मैं अपना वो प्रॉमिस पूरा करने आ गई आपके साथ। क्या प्रॉमिस किया था आपको? आज मैं मेकअप दिखाऊंगी। उस दिन मैंने आपको रेड कलर की लिपस्टिक का मेकअप दिखाया था। मुझे फ्रेंड्स ये सब नहीं आता कि क्या कॉम्बिनेशन से दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी। बस ये पता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को आज एक नए तरीके का मेकअप सिखाऊंगी, बिल्कुल इजीली। पहले भी मैंने आपको इजी सिखाया था बिल्कुल, कि हमें कहीं जाना हो, या जैसे कल तीजो थी, तीजो पे फ्रेंड्स कल मेरा थोड़ा ऐसे ही दिमाग हो रहा था, कुछ परेशान थी। परेशान क्या थी फ्रेंड्स, कल मेरी मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा मन नहीं था तैयार होने को। आप भी समझ सकते हैं ना मेरी प्रॉब्लम, कि जब घर में अपने को किसी को प्रॉब्लम होती है तो मन नहीं होता कुछ करने का। लेकिन आप लोगों की दुआओं से वो बिल्कुल सही है। तो बस आज मैं खुश हूँ और इसलिए आपको मेकअप करके दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरा पहला मेकअप कैसा लगा, सब ने बहुत ही पसंद करा इतना मुझे पता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं दो बातें नहीं कर रही, वाकई में आप लोगों ने मेरे मेकअप को बहुत पसंद किया, और आज जो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करूं फ्रेंड्स? चलिए शुरू करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? चेहरे को क्लीन करना। वैसे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा पानी से धो के क्लीन करके ही बैठी हूँ, और मैंने अभी कुछ नहीं लगाया अपने चेहरे पे। ये देखिए, आज मैंने काजल भी नहीं लगाया। उस दिन मेरे काजल था, लेकिन आज देखिए फ्रेंड्स, मैंने काजल भी नहीं लगाया। जो भी कुछ तैयार होंगी आप लोगों के सामने होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चेहरे को क्लीन करते हैं गुलाब जल और कॉटन से। अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होती है इस कॉटन में आ जाती है। आइस के ऊपर भी जरूर क्लीन करना चाहिए। और अपनी गर्दन भी इसके साथ क्लीन करना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितनी मिट्टी आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने क्लीन कर लिया है अपने चेहरे को। अब मैं पहला स्टेप क्या दूंगी? फाउंडेशन। ये देखिए, उस दिन मैंने आपको फाउंडेशन अलग तरीके से, अलग चीज से लगाना सिखाया था, और आज मैं आपको फाउंडेशन हाथों से लगाना सिखाऊंगी, और उसके बाद कॉटन से। पहले अपने हाथों से इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आइस को ऐसे ऊपर करके इसके नीचे से भी आपको करना है क्लीन। जितने भी स्टेप है फ्रेंड्स, इस तरीके से ऊपर जाने चाहिए आप लोगों के। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे कान भी
हमारे मेकअप के ही अंडर में आते हैं, क्योंकि ये भी दिखते हैं हमारे पीछे भी। कुछ लोग डीप गले पहनते हैं, तो फ्रेंड जहां तक हाथ जाए जरूर लगाना चाहिए। और हाथों पर भी लगाना चाहिए जरूर फ्रेंड्स, अगर हाथ हमारे विदाउट स्लीव होती हैं, कुछों की बाजू और जैसे थोड़ी छोटी छोटी बाजू होती है, तो जरूर हमें हाथों पर भी लेना चाहिए। मैंने फिलहाल इतना इतना कुर्ता पहना है, तो इतने से ही कवर करूंगी बस मैं। इस तरीके से चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है बॉर्डर की। तो स्किन का कलर क्या है, तो तरीके से लगाना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद ब्लशर लगाएंगे फ्रेंड्स। हर कोई अपने हिसाब से मेकअप करता है। नोज पे भी जरूर जाना चाहिए इसका, और थोड़ा थोड़ा गर्दन पे भी इस तरीके से। इसी से मैं हल्का सा टच अप आईज के ऊपर दे दूंगी। ज्यादा नहीं, हल्का सा इस तरीके से। उस दिन मैंने थोड़ा मोटा लगाया था, लेकिन आज मैंने थोड़ा पतला लगाया फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, नीचे भी आप आउटलाइन दे सकती हैं। इसे थोड़ा सूखने देंगे, उसके बाद मस्कारा। आईलाइनर के बाद ही मस्कारा लगाएं हमेशा। पहले ऊपर की साइड फ्रेंड, फिर अंदर।
तरीके से। अच्छा, मैं आईलाइनर हमेशा बाहर की साइड ही लगाती हूँ, अंदर में हमेशा आपको पहले भी बताया था मैं काजल ही लगाती हूँ। तो काजल इस तरीके से कोने से रख लिया, यहाँ पे थोड़ा रब किया इस तरीके से, कई बार कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे ही करना है आपको। इस तरीके से काजल लगाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा आपका ब्लशर हल्का है तो आप उसको और थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए इस तरीके से, स्टिक लगाते हैं। तो उसके लिए पहले आउटलाइन ये स्टिक लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में बिंदी। और लास्ट टच, अगर हमें कहीं भी जैसे थोड़ा सा हैवी लुक सा देना हो तो देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा मेकअप। कैसा लगा आपको फ्रेंड्स मेरा मेकअप, जो मैं कल करने वाली थी, वादा किया था, लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था कि आज जरूर करके दिखाऊंगी, तो मैंने आपको दिखा दिया। और मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। अगली बार फिर एक नए मेकअप के साथ आऊंगी आपके सामने। सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता मेकअप करना, लेकिन बस ये है कि बेसिकली मेरी फ्रेंड्स और मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं मुझे, मेरी फ्रेंड्स, बस एक अच्छा सा ये सिंपल सा लुक, इतना मेकअप करना ही सीख जाए, वही बहुत है। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि चेहरा वो होना चाहिए सिर्फ एक बिंदी लगाने से ही चमके, सही बता रही हूँ, ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा मेकअप कैसा लगा।
और अभी 5 बजे 5:30 बजे हम मंदिर चलेंगे भोले बाबा के दर्शन करने, और उसके बाद में अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। और ब्लॉग के एंड करने के बाद फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे और भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, बस चाहती हूँ आगे 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 बढ़ती चली जाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल आज का मेकअप इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। अभी फिलहाल कल नहीं, अभी तो बाबा भोले के दर्शन भी कराने हैं, तो इंतजार करना आप मेरे भोले बाबा के दर्शन के लिए। चलिए फ्रेंड्स मंदिर चलते हैं, मंदिर का टाइम हो चुका है, 5:45 बज चुके हैं, और बाबा भोले के दर्शन और महावीर भगवान जी के दर्शन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स बाबा के मंदिर चलते हैं दर्शन करने, 6 बज गए हैं। पूरी रसोई वगैरह क्लीन करने के बाद ही जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वापस आने के बाद हिम्मत नहीं होती करने की। लीजिए फ्रेंड्स आरती लीजिए, आरती कर ली है मैंने। लीजिए फ्रेंड्स आरती लीजिए, और ये भोले बाबा के दर्शन कीजिए आप लोग, कीजिए मैया के, बाबा के, श्याम सलोने राधा मैया के, हनुमान जी के, गणेश जी के, सबके दर्शन कीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबको मेरी बाय बाय, गुड नाइट।